दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के लिए समय बीतने के साथ ही तय हो गई है। प्रदेश के साथ रीवा जिले की 8 विधानसभा के चुनावी विसात की तस्वीर, मैदान छोड़ने वालों के नाम के ऐलान के साथ ही आवंटित हो गए हैं प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह। राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय और निर्दलीय को मिल चुके हैं चुनाव चिन्ह। अगर बात की जाए बागी प्रत्याशियों की तो कांग्रेस को सफलता मिली है मनगवा में। मनगवा में बागी प्रत्याशी प्रीति वर्मा ने पर्चा वापस कर लिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के रंजन गुप्ता ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। अगर बात की जाए बागी प्रत्याशियों की तो कांग्रेस को सफलता मिली मनगवा में बागी होकर पर्चा दाखिल करने वाली प्रीति वर्मा को। पर्चा वापस करा कर जिन्होंने मनाने में सफलता पाई राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। रीवा दर्शन के एडिटर ने दोनों से बात की। इसके अलावा रीवा से मऊगंज से एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। इस तरह मैदान में 158 प्रत्याशी बचे हैं। अगर बात की जाए अलग अलग विधानसभाओं की तो रीवा से 25, देवतालाब से 23, मऊगंज से 17, त्योथर से 20, सिरमौर से 22, मनगवा से 14, गुड़ से 17 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। आइए सुनते हैं राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद व प्रीति वर्मा का क्या कहना है, आखिर उन्होंने नाम वापस क्यों लिए। वापसी का अंतिम दिन था, आपने किसके किसके पर्चे वापस करवाए? अभी तो हमने प्रीति वर्मा ने मनगवा क्षेत्र से अपना यहाँ वापस लिया है और कोई जानकारी भी नहीं है और आर हमें तो टाइम है। तो क्या माना जाए मनगवा में आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई? बिल्कुल मजबूत हो ही गई। हमारी स्थिति पहले से भी मजबूत थी, ऐसा नहीं कि स्थिति कमजोर थी। और प्रीति वर्मा ने जो नामांकन भरा था उसने काम किया था, मेहनत किया था और उस पर उसने काम भरा था। लेकिन पार्टी जो निर्णय लेती है, पार्टी का निर्णय जो है, पार्टी सबको सोच के करता रहा है। कांग्रेस का भविष्य है, जनता का भविष्य है, सारे मुद्दों को देख करके तय करती है। पार्टी ने जो तय किया उसका उसने स्वागत किया और बिना किसी दबाव के बिना लालच के उन्होंने पार्टी के अपना पर्चा वापस किया। हमारे साथ मौजूद हैं मनगवा से निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली कांग्रेस की बड़ी नेता प्रीति वर्मा, जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार क्षेत्र में काम किया था, जो टिकट की प्रबल दावेदार थी। उन्होंने अपना पर्चा भी निर्दलीय रूप से दाखिल कर दिया था। नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है, हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं उन्होंने आज क्या निर्णय लिया। तो क्या ये माना जाए कि मनगवा में आपकी पार्टी की आपके कांग्रेस में फिर से काम करने से स्थिति बहुत मजबूत हो गई? आपका कहने का मतलब मनगवा में माना जाए पार्टी, पूरी पार्टी आपकी एकजुट है। ये थी हमारे साथ प्रीति वर्मा, जिनका साफ तौर से कहना था उन्होंने अपना निर्दलीय रूप से जो पर्चा दाखिल किया था उन्हें वापस ले लिया, वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन देंगी, उनके साथ मिलकर